वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल सिमलॉग कम्युनिकेशन। सभी दोस्तों का स्वागत है और बहुत बहुत आभारी हूँ सभी कस्टमर्स का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, T12X है। T12X और T12D और T12D+ में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली क्या है कि T12D और T12X में मेजर डिफरेंस ये है कि T12X में पूरे का पूरा प्रोग्रामेबल सिस्टम है, जिसकी प्रोग्रामिंग आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे स्मूथ पेन इसके अंदर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल्स हैं। गॉसिंग साफ करने के लिए टिप को, स्पंज, रबर टिप निकालने के लिए, और टिप जो है सबसे स्पेशल क्वालिटी की टिप जो हम लोगों ने इस डिज़ाइन करवाई है, सबसे ज़्यादा स्पेशल क्वालिटी की, जो आप लोग देख सकते हैं टिप जो है आगे से बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ग्राइंडिंग की हुई है। और पेन वगैरह तो सब नॉर्मल है, बाकी मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन ये टिप जो है भी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। इस टिप्स के साथ में जो लोग बेच रहे हैं वो दूसरी टिप्स के साथ में बेच रहे हैं जो काफ़ी जाड़ी है। ये टिप मैंने इसके अंदर डाल दी, लूज़ होती नहीं है। अब मैं सिस्टम को इसके साथ निकालता हूँ और सिस्टम की जो फीचर्स है ना वो आपको बताता हूँ कि कैसे प्रोग्राम होंगे और क्या क्या आप कर सकते हैं सिस्टम के साथ में। ये इसका स्टैंड है बहुत ही खूबसूरत, साथ में पावर कॉर्ड केबल है, नथिंग एल्स। ये अभी हम लोग पकड़ लेते हैं सिस्टम को। सिस्टम के साथ में एक जो है आपकी ये केबल दी है ग्राउंड करने के लिए, ये मैंने इसको लगाया साथ में और ये पूरा टाइट कर दिया। अब जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो क्या है, सिस्टम को ऑन करते हैं, ये मैंने ऑन किया इसको। एक तो ये डिस्प्ले पूरे के पूरी डिफरेंस है, दूसरी चीज़ जितना टेम्परेचर से 230 इसके ऊपर सेट किया और मैं इसको 240 करता हूँ, ये हो गया, ये 240 पे जाके फर्स्ट ऑफ कट ऑफ कर जाता है। दूसरी चीज़ जब हम इसको कुछ देर प्रेस करके रखते हैं मोर देन 15 सेकेंड, इसका कैलिब्रेशन, शॉर्टकट टेम्परेचर, ऑटो आइडियल, ऑटो स्लीप में टेम्परेचर बूस्ट। सबसे पहले टेम्परेचर बूस्ट के बारे में बताता हूँ। ये वो फीचर्स है कि अगर आपने इसकी सिलेक्शन जो है, जैसे इसके अंदर 50 डिग्री सेल्सियस जो है हमने टेम्परेचर बूस्टिंग पे ऊपर डाला हुआ है, होल टाइम जो है 30 सेकंड्स है। अब मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ उसको एग्जिट करके, और ये 240 पर है। जैसे ही हम लोग इसको 30 सेकंड तक प्रेस करके छोड़ेंगे ये इमीडिएटली बूस्ट हो जाएगा। 240 पर है वो बूस्ट करके 290 चला गया और कुछ सेकंड के बाद रिट्रीव होके डिक्रीज होके टेम्परेचर वापस जो है 240 पर ही आ जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि जब आप किसी भी ग्राउंड को सोल्डिंग करने जा रहे होते हैं, ग्राउंड पूरे पीसीबी के साथ कनेक्टेड होता है और टेम्परेचर बहुत शॉर्टली डिक्रीज हो जाता है, बहुत फास्ट डिक्रीज हो जाता है। वहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स के लिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो आप उसको बूस्ट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर, दोबारा मैं कैलिब्रेशन मोड में जा रहा हूँ, ऑटो स्लीप मोड है। जो T12D है, T12D+ है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ऑटो स्लीप मोड ऐसा ही रहेगा। इसके अंदर जो है आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, ये आप हैंडल पर रखना चाहते हैं हैंडल पर आ जाएगा, और अगर आप इसको ऊपर रखना चाहते हैं, ये दबाया मैंने एक बार जस्ट प्रेस करके छोड़ा तो डिले टाइमिंग पे आ गया। डिले टाइम आप जितना बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि 5 मिनट के बाद ये ऑटो स्लीप मोड में आ जाए मैं रखने के बाद तो 5 मिनट हो जाएगा, आप चाहते हो ये स्लीप मोड में 2 मिनट के बाद चला जाए तो 2 मिनट में चला जाएगा, और आप चाहते हो 10 मिनट में स्लीप मोड में, मैंने 2 मिनट पर सेट कर दिया और वेकअप जो है ना हैंडल पर सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे कि हम इससे बाहर आते हैं, जब ये आप स्लीप मोड के लिए इसके अंदर स्टैंड में रख देंगे तो आपको बटन प्रेस करना नहीं पड़ेगा, जैसे ही आप हैंडल उठाएंगे मूवमेंट्स में आएगा तुरंत जो है स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद इसमें एक और चीज़ है, ऑटो आइडियल मोड। ऑटो आइडियल मोड का भी टेम्परेचर आप जो है सेट कर सकते हैं कि आप 200 डिग्री सेल्सियस पे कट कराना चाहते हैं या 100 डिग्री पर। अगर आपको 100 डिग्री पे कट कराना है, आप इसको 100 डिग्री पर ला के हल्का सा प्रेस करके छोड़ेंगे नीचे आ जाएगा ये। डिले टाइमिंग कितना रखना है आपने वो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑटो आइडियल मोड का मतलब ये है कि जब आपको ऑटो स्लीप मोड में जाने से पहले अगर आपका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस था लेकिन आपको ऑटो 200 पे रख के कट ऑफ कराना है तो 200 पे कट ऑफ कर जाएगा वापस पेन रखने के बाद, सबसे बड़ी चीज़। उसके बाद वापस आप प्रेस करके बाहर आ सकते हैं।
देख सकते हैं 200, 350, 450, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पे सेट करना चाहते हैं। ये सारे फीचर्स इसके अंदर हैं, कैलिब्रेशंस हैं, उसके बाद जो है लैंग्वेज है, लैंग्वेज का बहुत अच्छा फीचर है। चाइनीज से अगर आपको इंग्लिश में सेट करना है 07 पर इसकी लैंग्वेज है। साउंड स्विच भी है इसके अंदर कि आप इसकी साउंड को ऑन ऑफ करना चाहते हो, जब ये कट ऑफ मोड में जाएगा साउंड करे नहीं करे वो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री सेटिंग है और सिस्टम इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अगर आपको एग्जिट करना है, सॉफ्टवेयर का वर्जन 719 है, हार्डवेयर जो है V5.0 वर्जन है। वापस प्रेस करेंगे और अगर आपको एग्जिट करना है तो उसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए, ये एग्जिट करके बाहर आ जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो ये मेजर फीचर्स थे जो उसके डिफरेंस हैं। तो जो लोग आज की डेट में जो है 12D ख़रीदना चाहते हैं सिंपली, वो उससे ये कई गुना बेटर है परफॉर्मेंस वाइज भी, और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब फीचर्स जो आपने यूज़ करने हैं वो आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो YouTube पर जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन इसको परचेज़ करना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट से www.simlawcommunication.com से परचेज़ कर सकते हैं। मेरे स्टोर में भी अवेलेबल है, जो लोग विजिट करके काउंटर पे ख़रीदना चाहते हैं वो मेरे स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही नॉमिनल है इसका, काउंटर प्राइस बहुत अच्छा है मेरे पास का, ऑनलाइन का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि GST इसमें इंक्लूड है। थैंक यू सो मच।